फिर जा रहे एक बहुत ही अतरंगी टाइप की साउथ कोरियन मूवी जिसका नाम है द टेस्ट ऑफ मनी। और इस मूवी में अगले पल क्या होने वाला है इस बात की आप लोगों को बिल्कुल भी खबर नहीं रहेगी। और ये मूवी पता नहीं किसने बनाई है, क्या सोच कर बनाई है। तो फिल्म की शुरुआत सियोल कोरिया में होती है जहाँ पर नोटों से भरे हुए रूम के अंदर हम दो लोगों को देखते हैं। इनमें से एक कंपनी का प्रेसिडेंट है और दूसरा इसके लिए काम करने वाला एक लड़का है। इस लड़के का नाम यू है। प्रेसिडेंट इसे कहता है कि बैग में नोट भरो और अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम यहाँ से जितने मर्जी पैसे उठाकर अपने साथ लेकर जा सकते हो। यू पैसे उठाता है, उसको सुनता है और फिर वापस रख देता है, नहीं लेता है। यहाँ के बाद हम प्रेसिडेंट की फैमिली को देखते हैं। प्रेसिडेंट की वाइफ का नाम ओके है और इसकी बेटी नामी, ये दोनों घर में रहती हैं और इसकी बेटी नामी का डिवोर्स हो चुका है। उसी रात हम प्रेसिडेंट के बेटे चुल को देखते हैं जो कि मीडिया से माफी मांग रहा है क्योंकि इसने कोई लॉ तोड़ दिया है और जिसकी वजह से इसको जेल होने वाली है। और प्रेसिडेंट की पूरी फैमिली इसको घर में बैठकर टीवी पर देख रही होती है। अब इनका बेटा जेल जाने वाला है, अब ये सोचकर इसको बचाने की सोचते हैं तो प्रेसिडेंट एक गवर्नमेंट के आदमी से कॉन्टेक्ट करता है। इस आदमी का नाम रॉबर्ट है और इसको बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं चुल को बचाने के लिए। और आज रात इन्हीं के घर में यह डिनर करता है। प्रेसिडेंट यू से बोल के इसके रूम में एक कैमरा लगवा देता है कि कहीं रॉबर्ट रातों रात पैसे लेकर भाग ना जाए। खाने के बाद ओके अपनी बेटी नामी के साथ मूवी देख रही होती है। वहीं पर यू खड़ा होता है, वो यू से कहती है कि जाओ प्रेसिडेंट को बुला कर लाओ। ये बुलाने जाता है तो यहाँ पर अलग ही माहौल बन रहा होता है। प्रेसिडेंट घर की मेड जिसका नाम ईवा है उसके साथ लगा पड़ा होता है। अब यह देख के यू डर जाता है और अगले दिन ईवा इससे कहती है कि तुमने जो भी कल रात को देखा था वो किसी को बताना मत, मैं प्रेसिडेंट से प्यार करती हूँ इसलिए मैं उसके लिए ये सब करती हूँ। यहाँ घर पे ओके सीसीटीवी रूम में बैठकर मस्त अपने पति और ईवा की प्रेम लीला को देख रही होती है। और इसने पूरे घर में सीसीटीवी लगवाया हुआ है और इस बात के बारे में किसी को नहीं पता है। और इसका इस चीज से मन नहीं भरता तो ये फिर हेडफोन लगाती है और उनकी अजीब अजीब आवाजें सुनती है और फिर गुस्सा होती है और फिर हेडफोन को तोड़ देती है। अगले दिन ओके ईवा से कहती है कि तुम अपने बच्चों से मिलने फिलीपींस नहीं जाओगी क्या। ईवा कहती है कि मैं कहीं नहीं जाने वाली, मेरे बच्चे यहीं पर आने वाले। अब ये सुन के ओके समझ जाती है कि ये इसके पति को लपेट के ले जाएगी अपने साथ और ये इसके आगे गले को दबाने लग जाती है। और ईवा समझ जाती है कि इसको पता चल गया है कि ये ईवा और इसका पति रात को क्या कर रहे थे। अगले सीन में हम ईवा के बच्चे को देखते हैं जो कि अब फिलीपींस से कोरिया आ चुके हैं और यहाँ पर प्रेसिडेंट उनको लेने जाता है और फिर सारे बीच पर जाते हैं मस्ती करने के लिए। यहीं पर प्रेसिडेंट की बेटी नामी भी होती है। प्रेसिडेंट को लगता है कि यू ने कल रात को सब देखा और देखने के बाद ओके को बता दिया है, पर यू कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। नामी को भी अब अपने फादर के बारे में पता चल गया है कि इसके फादर क्या काम करते हैं। नामी घर आकर ओके से मिलती है और युवा को काम से निकालने की बात कहती है, पर ओके ऐसा नहीं कर सकती। नामी यहाँ से सोने चली जाती है और यू भी जाने लगता है, पर ओके इसे रोक कर इसको सेड्यूस करने की कोशिश करती है। यू इसको रोकता है पर ओके इसके कपड़े उतारने लग जाती है और फिर ये पूरी रात यहाँ पर प्यार मोहब्बत करते हैं। और यू को जब होश आता है अगली सुबह तो वो सोचता है कि अब यार ये क्या कर दिया मैंने, और वो खुद को कोसने लग जाता है और इस गिल्ट के कारण वो अगले दिन जाता है नौकरी छोड़ने की बात कहता है। पर ओके कहती है कि तुम नौकरी नहीं छोड़ सकते हो और जो भी कल रात को हुआ था उसको भूल जाओ, मैं तुम्हारी दादी की उम्र की हूँ पर मेरा भी कभी कभी ये सब चीजें करने का मन करता है। और फिर इसे सीसीटीवी रूम में लेकर जाती है और हेडफोन लगाकर वहां से बाहर आ जाती है और अपने बच्चे और अपने पति के साथ बैठकर बातें करती है। यहाँ बच्चे कहते हैं कि जो हुआ उसे हमें भूल जाना चाहिए, आगे बढ़ो। पर प्रेसिडेंट कहता है कि मैं थक चुका हूँ यहाँ पर नकली जिंदगी जी जी कर, मुझे नहीं रहना अब यहाँ पर, मैं और ईवा अब यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। और यहाँ से प्रेसिडेंट घर छोड़कर जाने लगता है। इसका बेटा कहता है कि पापा तो अब भाग रहे हैं तो हमारे जो काम को है वो कौन संभालेगा। ओके कहती है कि यू संभालेगा और यू कैमरे में बैठकर मस्त सब कुछ सुन रहा होता है और मुस्कुराता है और सोचता है कि अब तो पैसा ही पैसा होगा। यहाँ पर प्रेसिडेंट की बेटी उसे पूछती है कि आपने मोम से शादी क्यों की जब आप उनको प्यार नहीं करते थे। यहाँ हमें पता चलता है कि प्रेसिडेंट ओके से प्यार नहीं करता था, उसने बस इसके फादर के पैसों के लिए शादी की थी। इसके पास पैसे तो बहुत सारे आ गए पर इसको सुकून नहीं मिल पाया था। और यहाँ से वो सीधा ईवा और उसके बच्चों को लेकर एयरपोर्ट जाता है, पर इसके कोरिया के बाहर जाने पर कोरिया को छोड़ने पर रोक लगा दिया गया है क्योंकि ये सब ओके ने करवाया है, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। यही फिर से नोटों के रूम में जाता है और इस बार ये यहाँ से अपने लिए भी कुछ पैसे चोरी कर लेता है। दूसरी तरफ ओके और बच्चे बातें कर रहे होते, इसका लड़का कहता है कि कहीं हमारा बाप फिर से बाप ना बन जाए और एक तीसरा हिस्सा मांगने वाला ना पैदा हो जाए। ओके कहती है कि तुम लोग डरो मत, तुम्हारे बाप की हरकतें मुझे पहले से मालूम थी इसलिए मैंने उसकी नसबंदी करवा दी थी। तभी यू यहाँ पर आकर कहता है कि मैंने नर्स से पता किया था,
ईवा प्रेग्नेंट है और उसका बच्चा प्रेसिडेंट का है। अब ये सुन के लालचियों के कान खड़े हो जाते हैं, कहीं ईवा हिस्सा लेने के लिए ना आ जाए अपने बच्चे के साथ। इसलिए ओके ईवा को मरवाने का प्लान बनाती है। अगले दिन प्रेसिडेंट उसी नोटों के रूम में जाता है जहाँ पर सारा पैसा अब निकाल लिया गया है, वहाँ पर एक फूटी चौनी नहीं है। बाहर जाते हुए इसको ओके मिलती है और ईवा और इसको अपने घर पर बुलाती है इनसे मिलने के लिए। उसी दौरान दूसरी तरफ ओके का बेटा अरेस्ट हो जाता है और वो के ईवा को गुंडे बेच के मरवा भी देती है। फिर हम देखते हैं यू को जो कि रूम में बैठा हुआ है और चोरी का नोट गिन रहा होता है और ये कैमरे में भी देख रहा होता है क्योंकि इसको पता है कि वो केस को देख रही होगी कहीं ना कहीं से। उसी दौरान प्रेसिडेंट घर आता है पर उसे ईवा की डेड बॉडी स्विमिंग पूल में तैरती हुई मिलती है और ये देख कर इसकी हालत खराब हो जाती है। उसको बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और सबको पता है ये काम ओके नहीं करवाया है, यानी कि ईवा को मारने का। नामी इससे कहती है कि आपने ये अच्छा नहीं किया, उसकी जान नहीं लेनी चाहिए थी आपको। अब इनके घर की एक सर्वेंट यू को पैसे देने जाती है और कहती है कि जो कुछ भी इस घर में हुआ है वो किसी को बताना मत। अब यहाँ पर यू के पास तो वैसे बहुत सारे पैसे हो गए इसलिए ये सर्वेंट को यहाँ से बेइज्जत करके भगा देता है। फिर क्या, ये जब बाहर जाता है तो सर्वेंट गुंडे भेज के इसको उठवा लेती है और इसकी खूब कुटाई करवाती है अभी जम के। थोड़ी देर कुटाई करने के बाद गुंडे इसको छोड़ देते हैं। ये घर जाता है तो वहाँ पर इसको नामी मिलती है जो इसके साथ पूरी रात प्यार मोहब्बत करने के लिए आई हुई है। पर ये कहता है कि पिटाई खाने के बाद तुझे लगता है कि मुझसे कुछ होगा। यहाँ घर पे प्रेसिडेंट ईवा के गम में नस काट लेते हैं हाथ की। सारे यहाँ पर आ जाते हैं, इसको बचाने की कोशिश करते हैं पर ये बच नहीं पाता और ऊपर निकल लेता है। यहाँ चुल जेल से भी अब छुटाने लगता है। नामी यहाँ पर आती है और कहती है कि मुझे पता है कि मेरी माँ दो नंबर की औरत थी और अब बहुत सारे लड़कों के साथ रिलेशन बनाती थी तो मुझे तुम्हारी गलती का नजर नहीं आती इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। इनके भी सब कुछ ठीक हो जाता है, दोनों जोश में उठते हैं और प्लेन के बाथरूम में जाकर प्यार मोहब्बत करने लगते हैं और ईवा की बॉडी को लेकर फिर फिलीपींस जाते हैं। और यहाँ पर ईवा के दो बच्चों को देखते हैं जो कि अपनी मोम की बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा दुखी होते हैं पर कुछ कर नहीं सकते। उसका छोटा वाला लड़का अपनी मोम को ही मांग रहा होता है कि मोम मोम, बट कुछ नहीं होता। और यहाँ पर अपनी मोम की बॉडी देखकर बहुत देर तक रोते रहते हैं और जो हमारा यू है वहाँ से चला जाता है। मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।